हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, HSSC क्लर्क भर्ती का एक नया नोटिस आया है और बहुत सारे रोल नंबर दिए गए हैं। इन बच्चों का रिज़ल्ट रुक सकता है, इन कैंडिडेट का रिज़ल्ट रुक सकता है। इन्हें एक स्पेशल काम करने के लिए बोला गया है, वो काम आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो रुक सकता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का नया नोटिस आया है, क्या अपडेट आई है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी देशिता ऊपर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं HSSC क्लर्क भर्ती के बारे में। दोस्तों, लगातार आपके कमेंट ये आते हैं कि क्लर्क भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। कभी सुनने में आ रहा कि 20 तारीख को, कभी सुनने में आ रहा कि 25 तारीख को, कभी कुछ। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे रोल नंबर की लिस्ट आई है। उन रोल नंबर को कुछ काम करना है, वो काम नहीं करोगे तो उन रोल नंबर का जो रिजल्ट, जो रोल नंबर का जो कैंडिडेट का रिजल्ट है वो रुक सकता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखिएगा, नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 5/2019 का टाइगरी नंबर 1, ठीक है। तो ये नोटिस आया दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है ये देखिए, पूरी लिस्ट दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने डेट भी दे रखी है, इस रोल नंबर के बीच में 18/8 को काम करना है, इस रोल नंबर के बीच में 19/8/2020 को काम करना है। आज का नया नोटिस दोस्तों, समय रहते सही अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बता देता हूं कि इन रोल नंबर को करना क्या है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स इन द कमीशन ऑफिस फ्रॉम 18/8 to 19/8। तो दोस्तों, जो ये रोल नंबर दे रखे हैं ना नीचे आपके यहाँ पे, इन रोल नंबरों को 18/8 से लेके 19/8 के बीच में अपने डॉक्यूमेंट HSSC ऑफिस में जमा करवाने हैं, ठीक है। और आल्सो अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दी गई डेट के अनुसार और वेबसाइट पर, ठीक है। क्या लिखा है दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये नीचे रोल नंबर की लिस्ट दे गई है, बहुत सारे रोल नंबर हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। इन कैंडिडेट को HSSC ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, ओरिजिनल लेके जाना है 18/8/2020 से 19/8/2020, यानी 18 और 19, दो दिन दिए गए हैं, और इन्हीं दो दिन में आपको ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। अब क्यों मांगे गए हैं उसका रीज़न बताया गया कि जो पहले इन्होंने अपलोड कर रखे हैं ना, उन्होंने पुअर क्वालिटी में, वो जो क्वालिटी होती है हमारे इमेज की, जो हमने इमेज फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में जो हमने अपलोड करे हैं डॉक्यूमेंट, उनमें कहीं ना कहीं क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो साफ दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसलिए इन सभी के दोबारा से मांगे गए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, रोल नंबर आपके दिए गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, दो पेज की लिस्ट है, और ये रोल नंबर का इन्होंने बता रखा है, इस रोल नंबर के बीच में 18/8, इस रोल नंबर के बीच में 19/8, HSSC ऑफिस में भी और ऑनलाइन भी दोस्तों, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो सकता है इन कैंडिडेट का, ठीक है दोस्तों। और फाइनल रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा, आपका प्रोसेस जारी है, प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों, ये एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।